हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। सो हमारे पिछले क्लास में हमने ब्राज़ील और इंडिया की, यानी कि हमने ब्राज़ील की कुछ ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे हमने इकोनॉमी को देखा कि ब्राज़ील की इकोनॉमी कैसी है, जहां पर हमने ब्राज़ील की कुछ जैसे ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जहां हमने एग्रीकल्चरल और माइनिंग, ये सारे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमने देखा कि वहां के कंट्री का ऑक्यूपेशन कैसा है और इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, सो अब हम कंपेयर करने वाले हैं, सिंस हमारा बुक जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि हम कंपेरिजन करेंगे बिटवीन दी ब्राज़ील एंड इंडिया। ठीक है, तो जहां पर अब इंडिया का अगर मैं बात करता हूं, इंडियन एग्रीकल्चरल का, तो अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल हमने इन ब्राज़ील देखा कि वो कैसे इंपॉर्टेंस है और क्या चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चरल का कैसा यूनिक है और ब्राज़ील और इंडियन इकोनॉमी को वो क्या कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो अनलाइक ब्राज़ील, इंडियाज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द जीडीपी एंड आल्सो एंगेजेस अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि सिंस वी आर एग्रीयन कंट्री, ठीक है, हम एक एग्रीयन कंट्री है जहां पर एग्रीकल्चरल को काफी ज्यादा मायने दिया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए हमारे कंट्री में, ठीक है, एग्रीकल्चरल से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे वो एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, यानी कि कंट्री की जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये जब कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, सो इंडिया का सबसे ज्यादा हाथ जो है, यानी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जीडीपी को और नेशनल इनकम को, वो है एग्रीकल्चरल से। ठीक है, अराउंड 60% ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, जितने भी पार्ट है इंडिया के, जितने भी लैंडफॉर्म्स है, उन लैंडफॉर्म्स में से 60% लैंडफॉर्म जो है वो हमारा कल्टीवेशन के लिए जाता है। जैसे कि आपने फिजियोग्राफी पढ़ा आपने ज्योग्राफी में इंडिया का, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन, सिंस इट इज मेड अप ऑफ फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है, सो फर्टाइल प्लेन्स की वजह से कैसा होता है कि इट्स अ गिफ्ट ऑफ द नेचर कि वहां पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है, कल्टीवेशन काफी अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए 60% ऑफ लैंड जो इन्वॉल्व है वो एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व है। इट्स एनोरमस एक्सपांड ऑफ लेवल प्लेन्स, रिच सॉइल, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वाइड क्लाइमेटिक वैरायटी, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एक्सेट्रा प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एग्रीकल्चरल। इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्टिविटी। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चरल मोस्ट सुटेबल ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम एग्रीयन कंट्री है, बिकॉज इंडिया में जो सॉइल है, जो प्लेन्स है, ठीक है, जितने भी कल्टीवेबल लाइन्स है, जो फेवरेबल क्लाइमेट है, वो काफी अच्छा सुटेबल है हमारे एग्रीकल्चरल के लिए। देन यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो कैरिड आउट होता है वो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन से होता है, यानी कि आप अगर हिस्ट्री से ही देखोगे तो सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन था, जैसे कि हमारे वॉशिंगटन जी ने भी कहा था कि नोबल इंप्लॉयमेंट इसलिए बोला जाता है कि जब ऑक्यूपेशन डिराइव ही नहीं हुआ था, जब किसी को पता ही नहीं था कि ऑक्यूपेशन क्या है, डिफाइन ही नहीं था, उस वक्त से एग्रीकल्चरल चल रहा है और इंडिया में आज भी एग्रीकल्चरल का उतना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सिंस हम एग्रीकल्चरल में इतने अच्छे हैं, सो वी आर द एक्सपोर्टर्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, जहां हम हमारे स्पाइसेस को, हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन किए हुए जितने स्पाइस है, वो मोस्टली हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सिस्टेंस टाइप। अब यहाँ पर सब्सिस्टेंस टाइप मतलब क्या होता है, देखो एग्रीकल्चरल जो होता है वो वेरियस टाइप का होता है, जैसे उनके पैटर्न्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देर आर कमर्शियल एग्रीकल्चरल, जहां पर कैसा होता है कि ईच एंड एवरी कल्टीवेटेड क्रॉप्स और ग्रेन्स, ठीक है, आर सोल्ड आउट टू द मार्केट। ठीक है, जहां पर वो सोल्ड किया जाता है, सेल किया जाता है, और सेल से जितना भी पैसा आता है वो पैसे को वो किसी और चीज में या अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं।
और सबसिस्टेंस टाइप फार्मिंग यानी कि क्या होता है कि एग्रीकल्चरल में जितने भी कल्टीवेशन हुए हैं यानी टोटल कल्टीवेशन जितना हुआ है उसमें से कुछ परसेंट ही सेल करना, यानी 60% 70% सेल करना और रेस्ट ऑफ द 20% 30% अपने लिए रखना, ठीक है, खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो इंडिया के जो फार्मिंग है वो फार्मिंग कैसी है, सबसिस्टेंस टाइप की है, यानी कि मोस्टली यहाँ के फार्मर्स पूरे के पूरे ग्रेन्स नहीं बेचते, वो सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, वीट, मेज, मिलेट्स यानी कि पल्सेस, ठीक है, सच एज मेजर फूड क्रॉप्स, प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, जूट एक्सेट्रा, ऑल आर ऑल्सो प्रोड्यूस। इंडिया इज ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ अ वराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस थर्ड पॉइंट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन से क्रॉप्स को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और कौन से जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उगाए जाते हैं, ठीक है। सो अगेन इट विल बी इट माइट बोर्ड विल बी आस्क यू, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर वन सेंटेंस, फॉर करेक्ट और राइट, ओके। सो ये है हमारा एग्रीकल्चरल इन इंडिया। सो अब हमने देखा कि ब्राजील के एग्रीकल्चरल के बारे में, एंड वी कंपेयर द ब्राजीलियन एग्रीकल्चरल पैटर्न विद द इंडियन एग्रीकल्चरल पैटर्न, ठीक है। अब हम वैसे ही जैसे हमने एग्रीकल्चरल हमने डिफाइन किया, सॉरी हमने डिफ्रेंशिएट किया, कंपेयर किया, वैसे ही वी आर गोइंग टू कंपेयर फिशिंग इन इंडिया, ठीक है। फिशिंग को देख लेते हैं, फिशिंग कैसा है हमारे इंडिया में। फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ठीक है, जहां पर हमने ब्राजील में देखा था कि इतना ज्यादा वो लार्ज स्केल पे नहीं चलता, इतना ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सो इंडिया में कैसा है कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिशिंग। देन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश बोथ मरीन एंड आइलैंड, ठीक है, इंडिया को एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोला है फिश के मामले में, ठीक है, मरीन के यानी कि जो दो टाइप के फिश होते हैं आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा, खारे पानी का होता है, ठीक है, सॉल्टी वाटर का, और मीठे पानी का होता है जो कि विदाउट सॉल्ट यानी रिवर पॉन्ड्स में से जो आते हैं फिश वो। देन फिशरीज हेल्प इन फूड सप्लाई, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रेजिंग न्यूट्रिशन लेवल एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इंडिया में फिश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है और फॉरेन मनीज को लाया जाता है, इसलिए यहाँ पर फॉरेन अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज काफी ज्यादा अच्छा होता है, दैट्स वाई फिशिंग इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो बेरोजगार है, ठीक है, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ठीक है, फिशिंग के थ्रू एक नया ऑक्यूपेशन बना दिया है इन्होंने। और फूड सप्लाई जैसे फिश के लिए जो क्रेविंग है इंडिया में और इवन फॉरेन्स में भी वो काफी ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हो कि आपको पता है जैसे कि फूड फिश जो है, ठीक है, अलग अलग टाइप के फिश के अलग अलग बहुत कॉस्टलियर फिश भी आते हैं, जैसे हमने ब्राजील के पार्ट में भी हमने पढ़ा कि लॉबस्टर है, ठीक है, सार्डिन्स है, स्वॉर्ड फिश है, ठीक है, ये सारे बहुत क्रैब्स हैं, अगेन ये क्रस्टेशियंस के अंदर आ जाते हैं, क्रैब्स भी जो फिश के अंदर ही काउंट होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर आ जाते हैं। सो ये एक अलग टाइप का मतलब फिश की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सो बहुत अलग अलग फिश है जो कि काफी महंगे महंगे हैं, ठीक है, जो इंडिया में भी कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे मोस्टली अभी देखो इंडिया के कौन से फिश है वो हम देखते हैं। फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे ज्यादा फिश जो कंज्यूम किया जाता है इंडिया में, प्लीज मार्क दिस पॉइंट, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र, ठीक है, मेजर फिश आर जो सबसे ज्यादा फिश यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है वो है सार्डिन्स, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया फोटोज, मैकरल, ठीक है, मैकरल इज अनदर फिश, ठीक है, ये भी सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। देन बॉम्बे डक आप जानते ही हो, ठीक है, एंड प्रॉन्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन दिस रिवर्स, तंकास, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये जो फिशेस है ये सारे फिश फिशेस को पकड़े जाते हैं, कैच किया जाता है फ्रॉम रिवर, फ्रॉम टैंक्स, ठीक है, एंड फ्रॉम
पॉन्ड्स, तो ये था हमारा फिशिंग इन इंडिया। अब जैसे हमने एग्रीकल्चरल देखा इन ब्राजील, फिशिंग इन ब्राजील देखा और माइनिंग इन ब्राजील देखा, सो अब हम वही तीनों चीजों को कंपेयर करेंगे। हमने अभी एग्रीकल्चर इन इंडिया देखा, फिशिंग इन इंडिया देखा, अब हम देखते हैं माइनिंग इन इंडिया। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी बनते हैं। ठीक है, कि वाई छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया इज कॉल्ड एज अ बिग स्टोर हाउस फॉर द मिनरल्स। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि ये यहाँ पर बिग स्टोर हाउस बोला है, यानी कि प्लेंटी ऑफ मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए इन्हें स्टोर हाउस बोला है। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर। ठीक है, जितने लोग भी छोटा नागपुर के रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनके लिए माइनिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट बोला है और मेन ऑक्यूपेशन बोला है। कोल इज माइंड इन कोरब इन छत्तीसगढ़। ठीक है, कोल माइंड किधर होता है ये भी आप अंडरलाइन कीजिए। कोल इज माइंड इन कोरब इन छत्तीसगढ़ एंड इन द ईस्टर्न महाराष्ट्र। देन मिनरल्स और मिनरल ऑयल वेल्स आर फाउंड इन डिगबोई इन आसाम। प्लीज हाईलाइट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मिनरल्स ऑयल यहाँ पर पाए जाते हैं कहाँ पर? डिगबोई आसाम में। देन मुंबई हाई इन अरेबियन सी, मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई हाईवे जो है, हाईवे है वहाँ अरेबियन सी के टूवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर मिनरल सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर गोदावरी। ठीक है, जितने भी रिवर्स हैं वो रिवर्स के यहाँ से नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके कंप्रेस किया जाता है, जिसे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स अभी पेट्रोलियम पे नहीं चलते, नेचुरल गैसेस पे भी चलते हैं। आपने सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो स्टोन्स लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में मार्बल जैसे स्टोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट द एग्रीकल्चरल इन इंडिया, फिशिंग इन इंडिया एंड माइनिंग इन इंडिया, जो हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के ऊपर हमने देखा। सो अब हम नेक्स्ट हमारे जो वीडियो है वो अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट दी इंडस्ट्रीज। हम देखेंगे कि सेकेंडरी, जैसे हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन देखा कि कितना फ्लरिश्ड है, कितना जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैसे हम देखेंगे कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी क्या कैसे रोल प्ले कर रहा है और जीडीपी को कैसे बूस्ट कर रहा है। और देन हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, यानी सर्विस सेक्टर से भी हम पढ़ेंगे कि ब्राजील और इंडिया का सर्विस सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड्स के नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।